खबर रीवा से है, जहां बढ़ते साइबर अपराध और नशे को लेकर पुलिस के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा विद्यालयों में पहुंचकर छात्रों से सीधा संवाद किया गया और उन्हें नशे से दूर रहते हुए साइबर अपराध से बचने की सलाह दी गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने पुलिस अधिकारियों से खुलकर चर्चा की। मार्तंड स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों ने छात्रों से चर्चा की है। आइए सुनाते हैं आयोजित जागरूकता अभियान में पुलिस SDOP नवीन तिवारी ने क्या कहा। बुरा लगेगा ना, तो बस यही है कि अगर आप अच्छे हो तो साथ आप अच्छे ना, तो आप अपने दोस्त को भी अच्छा कर सकते हो कि आप ऐसा काम ना करें। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का विरोध करेगा ना, तो डेफिनेटली ये होगा कि कोई भी लड़का वहां पे लड़के सुरक्षित फील करेंगे, हाँ कोई ऐसा है जिसके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा, हम एक ऐसे समाज में है। तो आप वो समाज दीजिए ना कि किसी भी लड़की को आपकी वजह से मतलब असुरक्षित एक होता है कि बिल्कुल उसे डरना नहीं पड़े, कहीं भी वो डर बहुत रात हो गई मैं सेफ फील नहीं कर रही हूँ। लड़कियां अपने आप को सेफ फील नहीं करती है बिकॉज ऑफ लड़कों की वजह से। लड़के 10 बजे रात तक एक चाय की दुकान पे गोमती पे चौराहे पे खड़े रहते हैं। ये जो हमारा एक इवेंट है जिसमें हम सभी एकत्रित हुए हैं, वो हमने मेनली 3 टॉपिक्स कवर करने के लिए किए। एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसे हम मानव दुर्व्यापार कहते हैं, दूसरा है साइबर क्राइम, और तीसरा है नशा मुक्ति। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सब हमें उसमें देखने को मिलता है। आज नहीं तो कल आप देखते होंगे कहीं ना कहीं नशा हो रहा है, लड़के नशा कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, कई होंगे जो आपके घर में ही कर रहे होंगे, जो आप चाहते हो कि ना करें। किसी के फादर होंगे, किसी का भाई होगा, आप चाहते हैं वो नशा ना करें। या आप समाज में देख रहे होंगे कि लोग आते हैं कि हम आपके लड़के को या लड़की को जो नॉर्मल छोटा होता है कि हम उसको लेके जाएंगे बाहर, खिलाएंगे पिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे। जन जागरूकता अभियान चेतना के अंतर्गत विभिन्न स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिसका शुभारम्भ आज ITI संस्थान से किया गया था, जहाँ पे मानव दुर्व्यापार जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, जिसके संबंध में ये चेतना अभियान शुरू हुआ है। उसके साथ साथ हम अन्य मुद्दे जैसे कि साइबर क्राइम हो गया है और नशा मुक्ति, इनके संबंध में भी हम सूचना दे रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं, जो कि जो नवयुवक हैं हमारे, स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज वाले हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं नशे में, तो इसलिए हम उनके बीच में जाकर ये मैसेज सभी तक पहुँचा रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। लगभग कितने स्कूल में प्रोग्राम हो चुका है? अभी सभी जो थाने हैं हमारे, सभी जगह ये प्रोग्राम हो रहे हैं। और रीवा की बात करूँ प्रॉपर, तो ITI में हो गया है, मार्तंड है, SK स्कूल है, और अपना दीप ज्योति स्कूल है, इन सभी में कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।